आज हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया चटपटा सा तीखा सा मजेदार मिर्ची का अचार। तो देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, तो चलिए इसे बनाते हैं। इस तरह से जो मोटी मिर्चें हैं हरी वाली वो ले ली है मैंने, धूप में सुखा ली है, धोके अच्छी तरह से सुखा के इस तरह से इन्हें पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लंबे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से बनाना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सारी मिर्चों को काट लूंगी। तो यहाँ 250 ग्राम मिर्ची ली थी हमने और ये तैयार है कटिंग करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब आगे हम भूनेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ अचार का मसाला बनाने के लिए ले लिए हैं 2 टेबलस्पून साबित धनिया और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भून लेंगे कुछ इस तरह से। और इसी में जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें ये अचार का मसाला भूनना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और अभी से इसकी बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो आप इस तरह से अचार का मसाला बना के रख सकते हैं। 1 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया है हमने और अब आई बारी राई की। तो 1 टेबलस्पून राई डाल दी यानी कि सरसों, इसे भून लेंगे और अब इसे ठंडा करके हम दरदरा पीस लेंगे। और फिर से कढ़ाई गरम करके इसमें हम सरसों का तेल जो है वो गरम कर लेंगे। तो यहाँ 1/2 कप सरसों का तेल लिया है और इसे धुआंधार होने तक हमें गरम करना है। तो देखिए हमारा अचार का बढ़िया मसाला दरदरा तैयार है। तो चलिए यहाँ हमारा तेल भी गरम हो गया, तो मिनटों में बनाते हैं ये अचार। तो मिर्च ले ली है हमने एक बाउल में। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ अचार का मसाला। तो ये सारा मसाला डाल देंगे। अब डाल देंगे नमक जो कि है 1/2 टेबलस्पून। 1 चम्मच डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ अमचूर पाउडर खटास के लिए और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हींग। और अब आती है बारी इसमें तेल मिलाने की। तो इस तेल को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और अब क्या करना है, बस इन सारे मसालों को इन मिर्चों के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। अभी से बहुत चटपटा लग रहा है ना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए। अब इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच सिरका यानी कि विनेगर जो कि करेगा प्रिजर्वेटिव का काम। और बहुत ही अच्छी तरह से हम सारी चीज़ें मिला लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और बहुत ही चटपटा अचार बन के तैयार होता है। तो ये तैयार है। तो मैं तो इसे इसी जार में डाल के रख लूँगी, 2 दिन काउंटर टॉप पे इसी तरह से छोड़ दूँगी और बस ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे आप थेपला, पूरी, पराठे, रोटी किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं या सिर्फ सिंपल दाल चावल के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगता है। तो देर किस बात की, जल्दी से बनाइए और कमेंट करके बताइए।